हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप की बहुत ही अच्छी अपडेट देने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, 5.5 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी हाल ही में छात्रों का डला है। तो 5.5 करोड़ का पेमेंट क्या आपका आया है? क्या चेक किया? नहीं किया? किस किस कैटेगरी का आया वो भी मैं बता दूंगा। और ST वाले कुछ अपडेट आप भी देख लेना। और SBC, OBC, SC ये कैटेगरियाँ हैं, अपना बिल चेक करिएगा। बिल की कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको ये लगता है पेमेंट नहीं आता। किसका पेमेंट कब आता है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हो इस चीज़ पर हम इतना टाइम नहीं देंगे, सीधा वीडियो में आपको लेके चलता हूँ। जो भी भाई फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सभी छात्रों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को भी सपोर्ट करना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ से आपको अब लेके चलता हूँ अपने जो भी अपडेट है यहाँ से उस पर, ठीक है? ये देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको इसमें क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि समाज कल्याण छात्रवृत्ति है ना स्कॉलरशिप वाली, इसका जो पैसा है ये बहुत बड़ा बिल आया है। ये देखिए बहुत बड़ा बिल है, कितना है? लगभग में 5.5 करोड़ रुपए का बिल इसमें आपको दिखा रहा हूँ। किस किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ? SC के करूँगा, SBC के करूँगा, OBC की, ST की, ठीक है? इन कैटेगरियों के बिल की मैं बात करूँगा। और यहाँ से चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, और यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए सबसे पहले तो जो ये पेमेंट है ना इसका, 82.77 करोड़, ठीक है? ये करोड़ों में है पेमेंट, आप नीचे यहाँ भी देख सकते हैं। इससे पहले था ये 7.29 करोड़, कल की डेट में ये 7.29 से 77 से ये हुआ है 82। अब लगा लीजिए, जब 77.29 करोड़ रुपए से 82 हुआ है तो आपका यहाँ पर 5 करोड़ रुपए लगभग में 5 करोड़ की राशि है छात्रों को मिली है। आप ये सोच रहे होंगे बिल ही बनता है, नहीं मिलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पेमेंट भी मिलता है। और जिन छात्रों का नया बिल बना है ना, वो तो अपना देखना ही है, पुराने छात्रों का ही पेमेंट यहाँ से विभाग की तरफ से अकाउंट में डाला है। तो चलिए वो मैं यहाँ से बता देता हूँ। अभी ये देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ SC कैटेगरी के छात्रों का है ये, SC वालों का, ठीक है? SC स्टूडेंट है और 2023 सत्र के हैं जो नया वाला है इसके, ठीक है? ये पुराने छात्र नहीं है, नए वाले हैं। तो अब ये जो छात्र हैं इनका पेमेंट कैसे पता करेंगे? देखिए, नशा जाटव, सौरभ जाटव का है और यहाँ से वर्षा कुमारी का है, आपको पता चल जाएगा। SC कैटेगरी का है, दोनों नए छात्र हैं तीनों, और ये जितने भी छात्र हैं सभी नए हैं, और सभी का बैचलर ऑफ आर्ट का बिल है ये देखिएगा सभी का। और सभी की स्कॉलरशिप भी फिक्स आई है, 3680 रुपये है, ठीक है? यहाँ से और मेन चीज़ तो ये देखिए, 29/8/2024 है, 29/9/2024, 29/9/29/9 सभी का पेमेंट भी कल की डेट का है। देख लिया आपने, सभी का कॉलेज यहाँ से एक ही है, एक ही कॉलेज ने एक साथ बिल बनाए हैं, मतलब जो स्कॉलरशिप डली है एक साथ ही डल गई थी, सीरियल वाइज नंबर आता है स्कॉलरशिप का, इनका एक ही साथ सेलेक्ट हुए हैं और इनका पेमेंट भी इनके अकाउंट में आया है। अगर अब मैं यहाँ से इनकी बात करता हूँ आगे, तो अब आगे अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊँ तो यहाँ पर देखेगा, ये वाले स्टूडेंट हैं। अब ये किस कैटेगरी के हैं? देखिए, सबसे पहले तो 2023 सत्र का ही फॉर्म भरा हुआ है, यानी नए छात्र हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन के हैं, स्कॉलरशिप 27,758, 27,758 किस चीज़ की स्कॉलरशिप है, क्या किसी को पता है? ये स्कॉलरशिप है BEd वाले स्टूडेंट की, ठीक है? BEd वाले की, BEd वाला छात्र है ये स्कॉलरशिप। अब BEd की तो इतनी आती नहीं है, तो इतनी क्यों आई है, जबकि BEd की तो 13,000 ही आती है मात्र, सभी को पता होगा इस चीज़ का। तो ये छात्र है ना, ये SBC कैटेगरी के छात्र हैं, SBC कैटेगरी के, SBC वालों को कंप्लीट पेमेंट आता है, एक रुपया भी नहीं काटा जाता, 99% इनका पेमेंट वही डलता है। 27,000 फीस है BEd की, 27,700 रुपये यहाँ पर आई है, डेट भी देख लीजिए, 29/9/2024 का ही पेमेंट इनका डला हुआ है, ठीक है? ये बात हो गई आज के नए बजट से जो बिल बने हैं उनका, यानी कल की डेट का है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि इनका बिल ही बना है, इनका पेमेंट भी डला है साथ के साथ, देख लेना। इसके अलावा पुराने छात्र हैं उनका भी डला है। अब मैं ऐसे स्टूडेंट की बात करूँगा जो ST कैटेगरी के छात्र के हैं, हालांकि ST के नए का किसी का भी पैसा नहीं आया, लेकिन पुराने छात्र हैं कुछ छात्रों का पैसा अकाउंट में आ चुका है,
कुछ छात्रों का पैसा अकाउंट में आया है एसटी के छात्रों का, तो उनकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से चलिए अब मैं आपको एसटी के छात्रों को बताऊँ। अभी सभी छात्रों को ये लगेगा हमारा नहीं आता भाई साहब, किसी का नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों का पैसा आता है, पुराने एसटी के छात्रों को कल की डेट में पैसा मिला है। यहाँ से देखिएगा, अब देखिए, अब ये जो भी स्टूडेंट है वो, मैं एसटी में हूँ, मेरी आज आ गई 28,100 रुपये है, कंप्लीट आई है ना, ये देख लीजिए आप, जो पूरी फीस है ना इनकी पूरी वाली, वो यहाँ से पूरी फीस आई है इनकी 28,100 रुपये है, और ओनली 2022-23 की, यानी कि ओल्ड स्टूडेंट है ये, ठीक है, ये ओल्ड हैं, ओल्ड स्टूडेंट, पुराने हैं 2022 सेशन के हैं, और इनकी फीस आई है, और कैटेगरी कौन सी है इनकी, एसटी। अभी एसटी वाले छात्र हैं, देख लेना एसटी की है, सभी की नहीं आई है, नए की नहीं आई है, मैंने नए की अलग बताया है, लेकिन पुराने छात्र जिनका पेमेंट सेक्शन हो गया, बिल जनरेट हो गया, उनका पैसा बता रहा हूँ ये, जो इनके अकाउंट में आया है। तो आपको नहीं विश्वास है वो अलग बात है, बाकी आप यहाँ से देखिएगा, पेमेंट की बात करें ना, पेमेंट, चलिए पेमेंट दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। पेमेंट से पहले एक चीज़ ये देख लो, अगर कोई भी छात्र ये बोलता है कि पैसा उनका आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, तो आपका कहाँ से आएगा बताओ, आपका यहाँ पर कैसे आ जाएगा, ये देखिए, आप अगर पैसा अपना ले रहे हैं तो उसके लिए आपको सारे काम होना ज़रूरी है ना। अब ये छात्र हैं 20/9/2024, यानी 20 तारीख आज की डेट का, 09 और 24 का इनका जो फॉर्म है अप्रूव हुआ है, अप्रूव हुआ है डीएलओ से, अप्रूव हो गया आज की डेट पर इनका फॉर्म अप्रूव हुआ है, और ये बोलते हैं हमारी स्कॉलरशिप हमें क्यों नहीं आ रही, तो दोस्तों कहाँ से आएगी, अभी तो इनका बिल बनेगा, ठीक है, फिर बिल इनका जनरेट होगा, जनरेट होगा, फिर दोबारा से बिल इनका जनरेट होगा, और जब दोबारा बिल जनरेट हो जाता है ना, फिर स्कॉलरशिप अकाउंट में डालने को तैयार हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस रहती है, अभी इस प्रकार से अगर आपके बने किसी भी कैटेगरी के हों तो आपके नहीं आएगी, सीधी सी बात है, आएगी कुछ किसकी, जिनका बिल वगैरह दो दो बार बन जाता है, ये रही बात। और फाइनल बात मैं यहाँ से करता हूँ पेमेंट की, पेमेंट की दिखाने वाला हूँ, जिससे पहले आपने अगर वीडियो की यहाँ तक देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया कर लेना, और जो भी छात्र मेरे भाई हैं मुझसे जुड़े हुए हैं और वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पेमेंट भी यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ पर पेमेंट पर ही आपको लेकर चल रहा हूँ, ये देखिए आज का पेमेंट है, ठीक है, आज के पेमेंट की बात है, और मैं इसको थोड़ा बीच में ले लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा, मैंने ये सभी के लिए शॉर्ट में दिखाने के लिए सेट किया हुआ है, अलग अलग दिखा था वो अलग थी, लेकिन यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए मैसेज देखिए, डियर कस्टमर, INR इंडिया रुपीज़ है 22,300 रुपये की इनकी स्कॉलरशिप है, ये देखिए 22,300 का है, क्रेडिट आया हुआ अकाउंट पैसा है अकाउंट में, अकाउंट नंबर भी इनका दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, डेट देख लीजिए 29/9/2024 की डेट है, 29/9/2024, यानी ये जो डेट है ना कल कल की है, और कल ये शाम का पैसा आया है इनका, जो मैंने बताया ना 5 करोड़ रुपये, उसी का पैसा ये इनका आया हुआ है, ऐसा नहीं है 5 करोड़ सभी का आ गया, कुछ का आने वाला है, लेकिन बहुत छात्रों का पैसा डला है। कहाँ का स्टूडेंट है अपने भैया, तो ये हमारे भैया जी हैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से ही भरतपुर से हैं, ठीक है, SBI में इनका बैंक अकाउंट है, और इनका पैसा डायरेक्टली इनके खाते में यहाँ पर देखिएगा ट्रांसफ़र हो चुका है, ट्रांसफ़र देख सकते हैं, ये वाला सिस्टम है इनका, सभी को पता है, अलग अलग रहता है। तो ये मैसेज है जो मैंने मैसेज का स्क्रीनशॉट दिया है आपको, और इसके अलावा भी ऐसे छात्र हैं जो इस चीज़ में अगर विश्वास नहीं है उनका अलग कहना है, बाकी की जो भी अपडेट है मैंने इसमें बताई है। तो अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे जो SC के छात्र हैं, बिल अगर बना हुआ है टेंशन फ्री रहना, पैसा आएगा, SB का है 100% पैसा रिफंड में आएगा आपका, OBC का है आपका 40% पैसा है आएगा, ST का है जो नवीन छात्र हैं, नवीन 2023 और 24 वाले, नवंबर नवंबर या अक्टूबर दोनों का वीक है, फर्स्ट वीक हो सकता है या नवंबर का लास्ट, उसी टाइम का बताया है यहाँ से, उसी आधार पर आपको बता दिया है, 99% नवीन छात्रों की, ST वालों की स्कॉलरशिप इस डेट से आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ छात्र हमारे
एसबीसी कैट सॉरी हमारे ईबीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के उनके बिल वगैरह बहुत कम बनते हैं, बहुत कम छात्र हैं, तो इनको हर 4 महीने में एक बार ही पैसा मिलता है, ठीक है, पैसा एक बार ही मिलता है। तो ऐसे छात्रों को थोड़ा धैर्य रखना है, बाकी कैटेगरी के ये छात्र हैं इनकी कोई टेंशन नहीं है, आराम से पैसा आएगा, ठीक है ना। एसटी वालों का कुछ दिन का इंतजार है, नए छात्रों का, पुराने का धीरे धीरे पैसा यहाँ पर डलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और जो भी छात्र फर्स्ट बार जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, आगे भी देते रहेंगे, नए बिल के बारे में बताएंगे, और टेंशन फ्री रहो भाई साहब, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी सभी छात्रों को। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।